Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood Speak. Parfait Mamar Ansari, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? इस हफ्ते की पहली फिल्म फ्रॉम रश्मि रॉकेट, सरदार उद्धम सिंह एंड सनक, जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं. उस फिल्म का नाम है विद्युत जम्वाल की फिल्म सनक का. फ्रेंड्स, सनक को रिव्यू करने के लिए दो तरीके हैं. या तो मैं इसके स्क्रिप्ट के बारे में बात करूं, या तो इसके स्टोरी के बारे में बात करूं, इसके स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूं, इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करूं, इसके नरेटिव स्टाइल के बारे में बात करूं, या फिर ये सारी चीज़ों को एक अच्छी सी पोटली बांधकर इसे दूर फेंक दूं एंड सिर्फ और सिर्फ विद्युत एंड एक्शन के बारे में बात करूं. मैं इस रिव्यू में दूसरा जो ऑप्शन है उसको अपनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर विद्युत जम्वाल, वो कहते हैं ना, सम एक्टर्स राइज अबाउ द स्क्रिप्ट, अबाउ द स्टोरी एंड अबाउ द नरेशन. विद्युत जम्वाल इज़ वन एक्टर एंड सनक इज़ वन फिल्म विच राइजेज अबाउ द स्क्रिप्ट. स्टोरी बहुत ही सरल है इस फिल्म की, ज़्यादा कुछ होता नहीं, देर आर नो सब प्लॉट्स इन द फिल्म. बहुत ही लीनियर फिल्म है. प्रेडिक्टेबल इन कैपिटल लेटर्स है इस फिल्म का नाम, यानी कि सनक द प्रेडिक्टेबल स्टोरी. को पता है क्या होने वाला है इंटरवल में, एंड में, यू नो एवरी थिंग वॉट इज गोइंग टू हैपन. लेकिन वो कहते हैं ना, द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ दिस फिल्म इज द एक्शन कोरियोग्राफी. ऐसी कोरियोग्राफी जो आपने एटलीस्ट इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी है. वेल स्टाइलाइज एक्शन एंड साथ ही में विद्युत जम्वाल इज इवॉल्विंग एज एन एक्टर हर एक फिल्म में. आई वाज सुपर इम्प्रेस. खुदाफिस, यहां पर भी जो इमोशनल सीन्स हैं, सीन्स वेर ही इज ऑलमोस्ट फेंटिंग, ही नीड्स अ शुगर रश, वो सीन्स में, इन सीन्स में वेर ही इज एन एमएमए फाइटर, लेकिन वो प्रॉपर कोई टेररिस्ट या कोई वो नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, एंड पहली बार अपनी जिंदगी में वो गन्स के साथ फाइट कर रहा है. जो भय है उनकी आंखों में, वो सारे के सारे सीन्स जम्वाल हैज परफॉर्म फैंटास्टिकली. चंदन रॉय सन्याल एज द विलम, जॉनी जॉनी यस पापा, मेनिसिंग, दीज टू मेक दिस फिल्म अ वॉचेबल अफेयर. पता है कहानी में कोई दम नहीं है, कोई सेंस मेकआउट नहीं कर रहा, लेकिन जब एक्शन सीन्स आते हैं इंटरेस्ट आता है. यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. पूरा का पूरा सीक्वेंसेस देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अब मजा आएगा, अब वापस एक्शन सीक्वेंस होगा. दिस इज़ वॉट सनक इज़ ऑल अबाउट. कहानी बहुत ही सिंपल है. एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गैंगस्टर्स कहूँगा, कोई कार्टेल वाले यहाँ पर पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो हॉस्टेज ले लेते हैं. अब वो किस कारणवश, अब फिल्म देखिए और बता दूंगा, सस्पेंस किरकिरा हो जाएगा. एक शख्स है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसके लिए, और किस तरह से विद्युत जम्वाल की जो बीवी है उनको हाइपरटॉपिक कार्डियक मायोपैथी हुई है, उनका हार्ट कभी भी स्टॉप हो सकता है, ऑपरेशन के लिए 70 लाख रुपए की आवश्यकता है. कैसे भी करते करते विद्युत जम्वाल पैसे लाता है एंड हॉस्पिटल में एडमिशन भी हो जाता है, ऑपरेशन भी हो जाता है. लेकिन डिस्चार्ज के दिन ये सारी की सारी वारदात होती है. कैसे विद्युत जम्वाल टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ कि अब मैं अपनी बीवी को खुद बचाऊंगा, यानी जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनको मारूंगा. जो प्रिंट है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, फैंटास्टिक. एंड इसीलिए मैंने फिल्म को एक दिन लेट देखा, ताकि वो इलायची, वो सुपारी, वो रम्मी, वो एड्स थोड़े कम आए. पहले दिन देखो तो कम से कम 25 एड्स रहते हैं, थे एड्स, थोड़े रम्मी वम्मी के एड थे, लेकिन इतना इरिटेटिंग नहीं था. एंड गाइस, एंडी लॉन्ग ने जो एक्शन किया है अद्भुत, अविश्वसनीय. हिंदी सिनेमा में ऐसे एक्शन सीन्स मैंने कभी पहले देखे नहीं है. कनिष्क वर्मा का डायरेक्शन फैंटास्टिक है. जीले ले जा जरूरत हो मेरी धड़कने, वो गाना फैंटास्टिक है. एक सीन है जिसे हम रेफरेंस सीन कहते हैं. यहाँ पर विद्युत जम्वाल के घर पर आपको डाई हार्ड, स्पीड एंड जॉन विक की डीवीडी शेल्फ पर दिखाई देगी. तो ये पिक्चरें वो देख चुका है, उसी का प्रभाव इसके ऊपर है, इसीलिए वो इतनी फाइटिंग कर रहा है. एक्ट्रेस जो है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्यूट दिखाई है इस फिल्म में. आई थिंक रुक्मिणी मित्रा नाम है, बंगाल की मशहूर एक्ट्रेस है, मैंने सुना है ऐसा. शी हैज़ अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस. धूपिया एज द कॉप, मैगी नूडल खाते खाते गुस्से में कैदी के अखरोट जब पकड़ती है, बहुत ही फैंटास्टिक. एंड में उसको अरे भैया इट्स हर चॉइस वाला डायलॉग भी दे दिया है, मुझे काफ़ी कॉमेडी लगता है. एंड किस तरह से चंदन रॉय सन्याल राइट फ्रॉम हिज एंट्री ऑफ हिज फुल गैंग्स द गन्स अटैक, एंड किस तरह से पहला 25 मिनट्स आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, रोमांटिक एंगल है, कैरेक्टर बिल्डअप थोड़ा होता है, लेकिन 25 मिनट के बाद चाइनीज गैंगस्टर्स, अफ्रीकन अंटी, एक अफ्रीकन अंटी है, बॉयकट बाप लेवल का एक्शन किया है. द फ्रेंच गैंगस्टर्स, सारे के सारे लोग किस तरह से आते हैं यहाँ पर. एक एक्शन सीन है जिसको स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, टायर का जो मैगवील है उसको घुमा के विद्युत गोल घूम के मारता है, वो वाला सीन बहुत ही बेहतरीन है. पार्किंग लॉट का एक्शन सीन, किस तरह से एक्ट्रेस जो है मित्रा कहती भी है विद्युत को कि अपने अंदर का एमएमए वाला भूत मत निकालना, हीरो बनने की कोशिश मत करना, वो सुनता नहीं, उसके विपरीत करता है. और दो किरदार इस फिल्म में, तो वार्ड बॉय
ना देन रियाज अहमद एंड छोटा बच्चा कोई वीडियो गेम का फ़ैन है उसको सब पता है बॉम्ब कैसे डेटोनेट करते हैं, गन कौन सी है, राइफल कौन सी है। तो ये गेम्स का प्रभाव है बच्चों पर, उनको सब पता है किस तरह से यहाँ पर एक्शन जो है वो सेकेंड हाफ में एक अलग रुख लेता है। गन्स की जो आवाज़ है धड़ अरे पूरा मोबाइल वो वाइब्रेट हो रहा था, ऐसा फैबुलस साउंड डिज़ाइन है इस फिल्म का, आप देखो बहुत मज़ा आएगा। एंड गाइस यहाँ पे एक एमआरआई जो मशीन रहती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है, गन किस तरह से चिपक जाती है वो वाला सीन बहुत ही मज़ा है। मैं आपको सीन इसीलिए बता रहा हूँ कि आप फिल्म जाके देखो, क्योंकि बहुत लोग होंगे यार लोगों के रिव्यूज़ देखकर बोलेंगे फिल्म नहीं देखनी है, क्यों देखेंगे, क्या नया है। ये नया है मेरा भाई, एक्शन सीक्वेंसेस, अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंसेस विद अफ्रीकन आंटी, फैंटास्टिक। एंड गाइस उसके बाद दो तीन एक्शन सीक्वेंसेस बताना मुझे बहुत ही ज़रूरी बनता है। चाइनीज ट्विंस है इस फिल्म में, वो जो मारामारी करते हैं फैंटास्टिक, मेडिकल स्टोर वाला फाइट, ऑक्सीजन सिलेंडर वाला फाइट। एक सीन है जहाँ अगर ये पिक्चर थिएटर में लगती तो पब्लिक खड़े होकर ताली मारती थी। इंक्यूबेटर रहता है ना बच्चों का, न्यू बॉर्न बेबीज का, उसको आग लग जाता है, विद्युत गोज इन लिफ्ट्स अ बेबी फ्रॉम द इंक्यूबेटर, आग गिरती है और हीरो ऐसी एंट्री लेके बच्चा लेके आता है बाहर। ऑल इन ऑल फैबुलस फिल्म है, स्टोरी वेरी वीक, स्क्रीन प्ले वेरी प्रेडिक्टेबल, बहुत ही डिसेंट एवरेज फिल्म कहूँगा। लेकिन अगर एक एक्शन लवर हो, अगर आपको फाड़ एक्शन मूवीज देखना पसंद है, इफ़ यू आर एन एड्रेनलिन जंकी, इफ़ यू आर अ जमवाल फैन, देन दिस फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। आई गिव सनक 3.5/5 स्टार्स। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई है, फ्रेश है, जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंट है। ओके गाइस, मैं अमन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।